जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में और YT एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। बिहार में भू राजस्व विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके बारे में हमने आपको सारा डिटेल भी बताया था, फॉर्म भर के बताया था कि इसका जो है फॉर्म आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक कैसे कैसे करना है। अमीन की, क्लर्क की, कानूनगो की और कुछ वेरियस पोस्ट थे यहाँ पे जिसकी वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन ये सारा चीज तो हमने आपको साझा किया। अब सवाल उठ रहा है कि इसका परीक्षा कब होगा, या परीक्षा की तिथि में बदलाव किया जाएगा, या फिर एडमिट कार्ड हमारा कब तक मिलेगा, कब, कैसे और कहां से, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी मदद करते हैं, लेकिन आपसे भी एक छोटी सी मदद की गुंजाइश है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, लाइक करिए ना करिए, शेयर कीजिए, एटलीस्ट हो सके उन छात्रों की मदद हो जाए जिन्होंने इसका फॉर्म भरा है। दोस्तों तो फिलहाल मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलूंगा, जहां से आपको इसके बारे में सारी जानकारी देखने को मिलेगी। दोस्तों आप हैं BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पे और आप नीचे आएंगे जरा यहाँ पे, और ये वेबसाइट का लिंक जो है ना हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप यहाँ से जाके सारी चीजें जो है डिटेल चेक कर सकती हैं और कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पे दोस्तों ये जो पोर्टल संख्या यहाँ पे पैरा नंबर 13 देखिएगा, तो यहाँ से आप लोगों ने फॉर्म भरा था, जैसा कि हमने आपको यहाँ से इस लिंक के जरिए जाके आपको फॉर्म भर के भी बताया था कि फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, आप जाके वीडियो भी देख सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आप इसके एडवर्टीजमेंट को भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, जो भी डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया था, इस नोटिफिकेशन में कौन कौन सी वैकेंसीज थी उसके बारे में सारी जानकारी दी गई थी, योग्यताओं के बारे में बताया गया था। जैसे कि पहला पोस्ट विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का था, जिनकी सैलरी लगभग 60,000 से ऊपर की सैलरी बनती थी, इनके लिए यहाँ पे जो है क्या क्वालिफिकेशन रखा गया था, स्नातक पास इंजीनियरिंग में आपका मांगा गया था जो, और कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें थी यहाँ पे, ये सब जानकारी आपको हमने दी थी। एक पोस्ट था दोस्तों विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का, जो कि 758 पद थे यहाँ पे, इनकी भी सैलरी काफी अच्छी थी, 36,000 प्लस सैलरी आपको मिलती यहाँ पे, और जो है मानदेय आपका जो है इतना रहता, और यहाँ पे जो है आपको जो है जो क्वालिफिकेशन मांगा था सिविल में इंजीनियरिंग और डिप्लोमा वाले छात्रों को मांगा गया था, कैटेगरी वाइज भी हमने आपको सीट बताई थी यहाँ पे। तीसरा एक वैकेंसी था दोस्तों विशेष सर्वेक्षण अमीन का, जहाँ पे सबसे ज्यादा पदों की वैकेंसी थी, 8,244 पदों के लिए, 31,000 यहाँ पे सैलरी स्केल थी, जहाँ पे मानदेय आपका जो है 24,200 का था यहाँ पे, ध्यान से देख लीजिएगा, और ये कुल सैलरी आपको इतनी मिलती। यहाँ पे आपका जो है दोस्तों डिग्री मांगा गया था 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में, और कैटेगरी वाइज कितनी सीटें थी ये भी हमने आपको अपडेट किया था, और इसके साथ साथ जो है एक और वैकेंसी थी दोस्तों यो की लिपिक वर्क की थी, और ये कुल 744 पदों की वैकेंसी थी, इनके लिए 25,000 की सैलरी थी, और यहाँ से जो है कोई भी छात्र जो कि ग्रेजुएशन कर रखे थे वो यहाँ आवेदन कर सकते थे। तो ये जानकारी हमने आपको दी थी दोस्तों कि आप इसका फॉर्म भर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है ये भी हमने आपको सारा चीज करके बताया था, यहाँ पे फॉर्म भर के भी बताया था। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जब इसका एग्जाम डेट दे दिया गया, देखिए यहाँ पे जो है ना ये पहला लिंक आपको जो दिख रहा है ये लिंक है एग्जाम डेट का। अब आपको यहाँ से इसको डाउनलोड किया मैंने, तो यहाँ से आपको ये मैंने एग्जाम डेट के बारे में बताया था एक वीडियो बना के हाल ही में, जो कि आपका 20 जुलाई को अपडेट किया गया था, और ये जो वैकेंसी संख्या है DLRS 2023-5 का है एडवर्टीजमेंट संख्या, जहाँ पे राजस्व और भूमि सुधार विभाग की तरफ से जितनी भी वैकेंसीज निकाली गई थी उसका एक ऑनलाइन CBT टेस्ट होना है। अब इस ऑनलाइन CBT टेस्ट को लेकर यहाँ पे जो अपडेट किया गया है कि आपका जो एग्जाम है इस विभाग को लेकर ये आपका जो है भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय के अधीन होगा, और सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया में आपको एक CBT एग्जाम देना होगा। CBT एग्जाम जो होगा वो पटना जिला में ही होगा, यानी कि सेंटर तो आपको पता है, और यहाँ पे विभिन्न जो डिफरेंट यहाँ पे जो आपके परीक्षा केंद्र हैं उन पे आपको जाके परीक्षाएं देनी है। 4 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक ये परीक्षाएं होंगी, लेकिन अभी तक डिटेल कैलेंडर जारी नहीं किया गया है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। 4 अगस्त से 17 अगस्त तक परीक्षाएं होंगी, लाखों छात्रों ने फॉर्म भरा है, 10,000 वैकेंसी है, ये तो आपको क्लियर है। अब यहाँ पे जो है कि कौन से पोस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे वेरियस पोस्ट है ना, जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ वेरियस पोस्ट है, किस पोस्ट का किस डेट में एग्जाम होगा ये अपडेट नहीं किया गया है, सिर्फ इतना ये कह दिया गया है कि 4 अगस्त से 17 अगस्त तक जो है आपका फॉर्म यहाँ पे जो है इसका एग्जाम आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत होने के अन्य संबंधित सूचनाएं आपको वेबसाइट पे प्रदर्शित किए जाएंगे। अब यहाँ पे 2 आपके लिंक एक्टिवेट किए जाएंगे, एक तो नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि किस पोस्ट के लिए किस डेट में आपका एग्जाम है। देखिए यहाँ पे जो है 4 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक जो डेट दिया गया है
ये आपको बताया जाएगा कि किस डेट में यहीं पे वो लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, है ना, यहीं से आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पे आपको एक और लिंक जोड़ दिया जाएगा, तो किस डेट में जो है कौन सा एग्जाम होगा और कितने बजे से लेकर कितने बजे के शिफ्ट में होगा। और चूंकि ये सीबीटी एग्जाम है तो आपको ऑनलाइन एग्जाम देने जाना होगा, तो ये आपको टाइम अलॉटमेंट भी बताया जाएगा कि आपको कितना बजे रिपोर्ट करना है और इस एग्जाम में जो है आपको बैठना कितनी देर है और कितने भाग में ये एग्जाम होगा। तो इसके रिगार्डिंग तो एक आपका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक लिंक भी दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल सर्वेयर, आई मीन स्पेशल सर्वेयर क्लर्क और स्पेशल सर्वेयर कानूनगो, और यहाँ पे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के लिए और स्पेशल सर्वेयर असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के लिए जो एग्जाम होने वाला है। तो ये तो जानकारी हमने आपको यहाँ से दे दी कि आपका जो है 4 अगस्त से 17 अगस्त के बीच एग्जाम होना है। अब आपका एडमिट कार्ड कब जारी होगा, क्योंकि देखिए आज हो गया 31 जुलाई, आपको कल तक और वेट कर लेना है, कल हो सके तो मोस्ट प्रोबेबली शाम तक अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो परीक्षा के तिथि में बदलाव हो सकता है। क्योंकि देखिए कल छुट्टियां थी, है ना, और ये ऑफिशियल छुट्टी भी थी कल, तो कल का दिन भी गया और आज भी बहुत सारे जगह पे ऑफिशियल छुट्टियां हैं मुहर्रम को लेकर, तो हो सकता है कि इन दिनों जो है आज और कल ये छुट्टियों के चलते यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। मोस्ट प्रोबेबली आज रात में अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो मैं एक वीडियो बना के आपको अपलोड करूंगा, यानी कि कब आएगा आपका एग्जाम एडमिट कार्ड का लिंक, तो आज रात को आ सकता है या तो फिर कल 10 बजे के बाद शाम 4 बजे तक। अगर नहीं आया तो ये एग्जाम की तिथि में बदलाव संभवतः फाइनल है, यानी कि एग्जाम डेट बढ़ेगा, क्योंकि आपका 2 दिन या 3 दिन नहीं दिया जाएगा कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए एग्जाम देने आइए। आपके साथ यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आएगा कि आपको जो है, और उस नोटिफिकेशन को बनाने में तो आयोग को समय लगेगा ही, है ना, कितना भी समय लगेगा तो कम से कम 1 से 2 दिन तो लगेगा ही कि ये जो है कौन से डेट में एग्जाम होगा, कौन सा एग्जाम जो है, कौन सा पोस्ट का एग्जाम जो है किस तिथि में जाएगा। तो इसको लेकर अगर देखा जाए तो संभवतः एग्जाम की तिथि बढ़ने की संभावना ज्यादा है यहाँ पे, अगर अभी तक जो नोटिफिकेशन जिसके माध्यम से अभी तक जारी नहीं किया गया है इस ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैं इसको लाइव भी करके दिखला दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ तो भी यहाँ पे कोई लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है कि छात्र यहाँ पे जो है आवेदन कर सके, है ना, सॉरी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सके। इस चीज को लेकर कोई भी लिंक यहाँ पे नहीं दिया गया है फिलहाल। तो अब दोस्तों इसके एग्जाम के पैटर्न को लेकर भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये नोटिफिकेशन सॉरी ये नोटिफिकेशन जो आया था आपका 5 जुलाई को आया था। इसमें कहा गया था कि शुद्धि पत्र यानी कि सुधार करने को लेकर सीबीटी से संबंधित कुछ अपडेट दिए गए थे। सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग, जो कि यहाँ पे इस विभाग बिहार सरकार के इस विभाग के तहत विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता आधारित संविदा पर, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी है आपकी, नियोजन हेतु आपको पुस्तिका की कंडिका 2 के 4 में टंकन भूल के कारण प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक तथा 4 गलत उत्तर के लिए 1 अंक होंगे। अंकित हो गया है कि जो संशोधित करते हुए यहाँ पर प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक तो मिलेंगे और अंततः यहाँ पे 1 गलत उत्तर पर आपको 1 नंबर अंक प्राप्त होंगे। तो ये एग्जाम के पैटर्न में शामिल किया गया है ना, यहाँ पे जो है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और यहाँ पे गलती से 4 गलत उत्तर लिख दिया गया था, जो कि 1 गलत उत्तर यहाँ पे होना था। तो 1 गलत उत्तर कीजिएगा तो आपको निगेटिव मार्किंग में 1 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे 1/4 का ही सिनारियो चलेगा आपका निगेटिव मार्किंग का। तो ये इसके एग्जाम पैटर्न में संशोधन किया गया था, जो कि यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हो गया था, 4 गलत उत्तर लिख दिया गया है ना। तो यहाँ पे 4 गलत उत्तर नहीं, यहाँ पे सिर्फ जो है 1 गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटेगा, यहाँ देखिएगा है ना, यहाँ पे जो है अपडेट किया गया है, ये सिर्फ 1 गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक कटेगा। तो ये एक जानकारी यहाँ से मैंने आपको दे दी है ताकि आपके एग्जाम अगर होता है तो इसका ध्यान रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग भी है और 1/4 यहाँ पे है निगेटिव मार्किंग, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये सारा डिटेल यहाँ से दिया गया था दोस्तों, आप भी इसको चेक कर सकते हैं। अभी तक यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड को लेकर कोई लिंक नहीं दिया गया, तो कल तक इंतजार कीजिए, कल शाम के 4 बजे तक। अगर नहीं आता है तो संभवतः ये जो परीक्षा की तिथि है, ये परीक्षा की तिथि जो है आगे बढ़ सकती है, ये 4 अगस्त से होकर 10 अगस्त भी जा सकता है। और उसके साथ कौन सा डेट एग्जाम का रहेगा, किस डेट में किस शिफ्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा, ये सब कुछ जानकारी आपको उस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा।
तो अभी के लिए तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले एक नए वीडियो में जल्द ही, आशा करते हैं नई वैकेंसी के साथ। तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।